श्रीदेवी के निधन पर शेखर सुमन ने भी दुख जाहिर किया। सुबह किसी को अंदाजा नहीं था और हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसी मनहूस खबर के साथ हमारे सुबह की शुरुआत होगी, बल्कि शूटिंग भी जो मैं ये कर रहा हूँ बहुत भारी मन से कर रहा हूँ। हम सबसे पहले तो संवेदना प्रकट करना चाहते हैं, सांत्वना देना चाहते हैं परिवारजनों को जिनको इतनी बड़ी क्षति पहुंची है उनके जाने से। ये सुबह तक ऐसा लग रहा था कि शायद ये गलत खबर किसी ने फैला दी, जो अक्सर सोशल मीडिया पे होता रहता है, या कोई बुरा ख्वाब है कि जब नींद उचटे और आंखें खुली तो लगे ऐसे कि हम एक बुरा सपना देख रहे थे, लेकिन अफसोस की है, हकीकत है कि कल तक जो साक्षात सामने थी, रूबरू जिंदा चहकती महकती हुई चुलबुली सी श्रीदेवी जिनको हमने जाना है खिलखिलाती हुई, वो अचानक अब हम उनको कह रहे हैं कि उनका पार्थिव शरीर कब आएगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।